जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के बाद एक और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, जिन्हें नहीं पता कि कैसे जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को बैलेंस आउट करना है और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं। वहीं दूसरी ओर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें क्रिस्टल क्लियर पता है कि अब उन्हें किस रस्ते पे चलना है और क्या एग्जैक्टली फॉलो करना है। माय डियर स्टूडेंट, आपके 99.95 के आसपास अगर आ रहे हैं या आप 90-92 की रेंज में हैं, किसी भी ब्रैकेट में हैं, इस वीडियो में मैं ऐसी गाइडलाइन बताने वाला हूं जो आपके अप्रैल अटेम्प्ट या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को सिस्टमैटिक ट्रैक पे ला देगी और आपके स्कोर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूस्ट करेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरी तरह से देख लीजिएगा। और हमारे नए व्यूअर के लिए रिक्वेस्ट है कि अभी तक ये चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हमारे टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली ज्वाइन एट t.me/forthegalaxyworld, बिकॉज जेईई मेन जेईई एडवांस के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसोर्सेज ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो आवर ब्रेन टीजर्स एंड अदर रिसोर्सेज जो डेली बेसिस पे आने वाले हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके 99.9596 या 99.92% आ रहे हैं, वो स्टूडेंट बहुत परेशानी में और पूरी जान लगाने वाले हैं जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट की तरफ कि हम इसको कैसे भी करके 99.99 तक लाएंगे, 100% की रेस में जीत के दिखाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि अगर आप 98 से ज्यादा परसेंटाइल हासिल कर चुके हैं तो आप ये मान लें जेईई एडवांस के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, क्योंकि जेईई एडवांस और जेईई मेन दोनों के एग्जाम्स की बेंच मार्किंग, उनके एग्जाम्स के पेपर का, क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन पूरी तरह से अलग है। अगर आपने अब सिर्फ जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट की तरफ फोकस किया तो आप ये मान के चलिए जेईई एडवांस कहीं ना कहीं आप रस्ते से हट जाएंगे और अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टू फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ स्टूडेंट की जिनके 98% से ज्यादा स्कोर हैं, वो पूरी जान लगा के जो मैं गाइडलाइन बताने वाला हूं जेईई एडवांस की तरफ फोकस करिएगा। जेईई मेन में जितना इंप्रूव होना अपने आप हो जाएगा, लेकिन सर्टेनली आई कैन टेल यू देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि आप एक टॉप आईआईटी में बहुत जबरदस्त ब्रांच को सर्टेनली सिक्योर कर ही लेंगे। ऑन द अदर साइड, दोज स्टूडेंट्स जिनके 95 से कम परसेंटाइल हैं, उनके लिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ड्रॉपर हैं और सिलेबस इनकंप्लीट होने की वजह से आपके 95% रहे हैं, आप जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के साथ जेईई एडवांस की ट्रैकिंग को फॉलो करें। लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा था, आप क्लास 12th में हैं और उसके बावजूद आपके 95 से कम परसेंटाइल है, तो आई सजेस्ट ओनली टू फॉलो एंड टारगेट ऑन जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करके एनआईटीज की एक सीट को जरूर पक्का कर सकें। अगर हम क्रिटिकल लेवल पे बात करें तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल गाइडलाइन है उन स्टूडेंट के लिए जो अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 से 12 सालों के PYQ उसके अलावा और कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपने 95% ली है, इसका मतलब आपका बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन वीक है। लेकिन 95% तक आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपके थ्योरेटिकल फंडामेंटल एक डिसेंट लेवल पे हैं, आपकी फॉर्मूला लेवल की प्रिपरेशन ठीक ठाक है, और उसको एनहांस करने के लिए अब आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग टू द पॉइंट प्रैक्टिस लेवल चाहिए। उसके लिए पिछले 10 से 12 सालों के काफी हैं। अगर आप 20 साल तक जाते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हो चुकी हैं पिछले 4 या 5 सालों में। उन शिफ्ट के पेपर्स को रीअटेम्प्ट करने से ही आपको ये रियलाइज होगा कि आपका जेईई मेन ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप 95 या उससे कम परसेंटाइल के ऊपर हैं, इसका मतलब आपने पिछले 10 से 12 सालों की सारे पेपर्स पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं करे हैं। सर्टेनली जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट की वजह से लास्ट के कुछ दिनों में आपकी सीरियसनेस आ चुकी है, और उसी सीरियसनेस का फायदा है कि अब आप इसको मेंटेन कर लीजिए और पूरी जान लगा के, क्योंकि आपको पता है कहां कमियां थी, आप उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें। और अगर आपके कहीं थ्योरेटिकल फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट लेवल वीक भी हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को करते हुए जो कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अप्रैल अटेम्प्ट तक जान लगा के ये सारे पेपर के कॉन्सेप्ट नोट्स बना लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस की फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिए। आप मान के चलिए इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर 97-98 और मोर परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट। 12th के स्टूडेंट्स अब पूरी तरह से एनसीईआरटी ओरिएंटेड बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले, यानी वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी फोकस करना है, क्योंकि सर्टेनली बोर्ड के फुल ऑन फुल मार्क्स या एक्सट्रीमली हाई परसेंटेज पूरी लाइफ में बोर्ड मार्कशीट के साथ काम आते हैं, तो वो तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जेईई एडवांस 23 का सिलेबस भी अब एनसीईआरटी की बुक से सिंक अप किया जा चुका है, और पहली बार ऐसा होगा कि जेईई एडवांस का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के सिलेबस पे मैप करेगा। लेकिन
लेकिन क्वेश्चन सर्टेनली जेई एडवांस 23 के सिचुएशन ओरिएंटेड होंगे, नई सिचुएशंस होंगी जैसा हर बार होता है, और क्वेश्चंस इजी नहीं होंगे, एक्सट्रीमली एप्लीकेशन ओरिएंटेड होंगे, और जिन बच्चों का एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग है उनके लिए वो बहुत ही ईजी होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जिनके ऑलरेडी 98, 99 या 99.92, 93, 94 ऐसी परसेंटाइल है, तो अब आप एक स्यूडो ट्रैप में मत फंसिएगा कि जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में और हायर परसेंटाइल लानी है। इन्फ्यूज्ड प्रिपरेशन में आपको सबसे बड़ा फोकस रखना है जेई एडवांस पे, क्योंकि जैसा मैंने अभी इस वीडियो की बिगनिंग में बताया था, आप उन स्टूडेंट्स को इजीली बीट कर सकते हैं जो जेई मेन ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, अपनी परसेंटाइल और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रादर देन दैट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सिक्योर अ सीट इन IIT। आप 98 या 99 परसेंटाइल से प्रूव कर चुके हैं व्हाट कैपेबिलिटी यू आर ऑलरेडी हैविंग, सो बैलेंस इट आउट फॉर योर जेई एडवांस 23। सिर्फ तीन चीजों पर ध्यान दीजिए, जेई एडवांस 23 का पेपर आपका होगा और IIT में सीट आपकी अपनी पक्की करने का मौका आपको मिल रहा है, डू नॉट लूज इट। जेई एडवांस का पेपर पूरी तरह से सिचुएशन और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, यानी हर क्वेश्चन किसी ना किसी एक गिवन फिजिकल सिचुएशन पे बेस्ड होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स भी इलस्ट्रेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और उन सिचुएशन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है आप पिछले 15 से 20 सालों के जेई एडवांस के पेपर को पेपर वाइज करें। चैप्टर वाइज सर्टनली एक बार पूरा कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको पेपर वाइज जेई एडवांस के पेपर जरूर करने हैं, क्योंकि आपको एक हैबिट होनी चाहिए एक टॉपिक की सिचुएशन से दूसरी टॉपिक की सिचुएशन पे दिमाग जब जंप करता है तो आप सारी चीजों को दिमाग में कैसे कैरी कर सकते हैं। सो फर्स्ट गाइडलाइन माय डियर स्टूडेंट टू हिट योर जेई एडवांस 23 इज कि आप अपने चैप्टर वाइज PYQs एक बार अगर खत्म कर चुके हैं उनको रिव्यू कर लीजिए, और उसके बाद सबसे बड़ा काम करना है ईयर वाइज इन पेपर्स को अटेम्प्ट करना, डू नॉट मिस इट आउट। सेकंड गाइडलाइन व्हिच इज मच मोर क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू इज जेई एडवांस के क्वेश्चंस काफी लंबे होते हैं, यानी एक या दो लाइन के नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन 6 to 8 लाइन बल्कि 10 या 12 लाइन के भी होते हैं, MCQ होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जब आप आखिरी लाइंस पे आते हैं तो शुरू की लाइंस स्किप आउट हो जाती हैं, तो कई क्वेश्चंस को 4-4, 5-5 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एग्जाम में टाइम खराब होता है और बहुत सारे बच्चों को पेपर लेंदी लगता है। इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल अपनी रीडिंग एफिशिएंसी को एनहांस करें, और रीडिंग एफिशिएंसी एनहांस करने का सबसे बढ़िया तरीका है गुड लेवल ऑफ रीडिंग रिसोर्सेज पे फोकस करें। आपके पास अगर रिसोर्सेज कम भी हो तो मैंने अभी बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/galaxyworld पे बहुत सारे रीडिंग रिसोर्सेज, एंड मोर आई एम गोइंग टू पुट अप टू द लेवल ऑफ जेई एडवांस एग्जामिनेशन। जब तक एडवांस नहीं आता इस पे रिसोर्स आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद द सेम, और हमारे ब्रेन टीजर्स को भी फॉलो कीजिए। जितना आप रीडिंग करेंगे आपकी रीडिंग एफिशिएंसी आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक बार में क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में बिठाने को हेल्प करेगी। सो दिस द सेकंड गाइडलाइन व्हिच इज मोस्ट क्रिटिकल, अदरवाइज एग्जाम में पेपर आपको लंबा ही लगने वाला है, और अगर आप इस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे घर में पेपर अटेम्प्ट करते हुए या मॉक देते हुए भी आपकी रीडिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी होती जा रही है। लास्ट और सबसे क्रिटिकल फैक्टर माय डियर स्टूडेंट, जो मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा कहता रहता हूं, आपकी मेंटल कूलनेस जेई एडवांस को जीतने में आपकी हेल्प करती है। इनफैक्ट अगर हम जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट की ही बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि जस्ट एग्जाम प्रेशर की वजह से कई गलतियां उन्होंने कर दी, रीडिंग एरर्स कर दी, जिस वजह से वो इतने मार्क्स खो दिए कि जहां उनकी 97 परसेंटाइल आई है वो इजीली 99.97 परसेंटाइल तक जा सकते थे बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी एंड नॉलेज। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में पोस्ट करो और इस चीज को यहीं छोड़ के जाओ ताकि जितनी कैपेबिलिटी है उस लेवल तक आगे जाए, और उसके लिए आपको दो ही काम करने हैं। कई बार मैंने कहा कीप योर बॉडी एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, दिन में जितना पानी पी सकते हो मिनिमम 5 to 6 लीटर वाटर ड्रिंक करते रहो, और रात को बहुत अच्छी नींद लो, सिंगल स्ट्रेच के अंदर 7-8 आवर की स्लीप लो। कई बार छोटी बातें लगती हैं लेकिन जिन्होंने इसको फॉलो किया उन्होंने बहुत जबरदस्त अपने आप को एलिवेटेड फील किया है। ये छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं लेकिन ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिवेट करेंगी, और जो ये तीन फैक्टर्स बताए ना सिर्फ जेई एडवांस जेई मेन के लिए, आपको कोई अलग तैयारी नहीं करनी। अगर आप 98 से ऊपर परसेंटाइल में हैं तो यही लेवल आपका एग्जामिनेशन में आपको जेई मेन में और जबरदस्त एलिवेट करेगा। एंड फोकस स्ट्रांगली ऑन योर NCERT बुक इफ यू आर अपीयरिंग फॉर ग्रेड 12, क्योंकि NCERT की ही सिचुएशन से जेई एडवांस के क्वेश्चंस इस बार बनाए जाएंगे। उसमें मैं एक अलग से वीडियो लूंगा किस तरह के बनाए जाएंगे, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, इफ नॉट इमीडिएटली सब्सक्राइब, एंड विश ऑल द बेस्ट।